नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल P24 न्यूज एक्सप्रेस। आइए करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। 14 दिन का लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार ने फिर से 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाने पर बामरा में इसका असर। खबर संबलपुर जिले के बामरा ब्लॉक के गोविंदपुर पंचायत की है। लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने उड़ीसा में 14 दिन की लॉकडाउन खत्म होते ही फिर से 2 हफ्तों के लिए इसे बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं संबलपुर जिले के बामरा ब्लॉक के गोविंदपुर पंचायत में इसका क्या असर है। बामरा में बीजू पटनायक चौक और स्टेशन बस्ती बस स्टैंड का माहौल पूरी तरह शांत है। दुकान बाजार सभी बंद है। आने जाने वाले लोगों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है। स्थानीय प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई को देखते हुए यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह लोग सतर्क रहे तो यह कोरोना जैसी बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। बामरा के तहसीलदार अनिल कुल्लू और गोविंदपुर थाना अधिकारी IIC प्रताप राणा ने पूरे पुलिस टीम के साथ मिलकर पूरी तरह से बामरा को सुरक्षित रखने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सभी आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। लोगों को रोक कर पूछताछ कर रहे हैं। जो मास्क नहीं पहने हैं उन्हें मास्क पहनने के लिए निवेदन किया जा रहा है। प्रशासन के सभी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोग सतर्कता से अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है, तो ऐसे में हमें भी उनका कहा मान कर चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए अपना घर परिवार छोड़कर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बामरा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।